ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आम आदमी पार्टी द्वारा आज बिलासपुर में महारैली का आयोजन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर लगाए कई आरोप। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हरेली त्योहार पर 17 जुलाई से होगी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ले सकेंगे इसमें हिस्सा। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादी कैंप को किया ध्वस्त, दो माओवादी गिरफ्तार। और प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कल से एक बार फिर तेज होने की संभावना। समाचार विस्तार से। आम आदमी पार्टी द्वारा आज बिलासपुर में महारैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर आम सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार द्वारा रोजगार, बिजली, इलाज, शिक्षा, महिलाओं का बसों में सफर और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इस दौरान श्री केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए। कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन करने, खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने और खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हरेली त्योहार पर 17 जुलाई से होगी। लगभग 2 माह 10 दिनों तक चलने वाली यह प्रतियोगिता 6 चरणों में आयोजित की जाएगी। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता में दलीय और एकल श्रेणी में 16 तरह के पारंपरिक खेलों का शामिल किया गया है। इस बार के ओलंपिक में एकल श्रेणी में रस्सीकूद और कुश्ती को भी जोड़ा गया है। प्रतियोगिता का समापन 27 सितंबर को होगा। दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी और बाटी जैसे खेल विधाएं शामिल हैं। वहीं एकल श्रेणी में बिल्लस, फुगड़ी, गेंडी दौड़, घवरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद और कुश्ती शामिल की गई है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में विकासखंड और नगरीय क्लस्टर स्तर पर विजेता प्रतिभागियों से लेकर राज्य स्तर के विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रायपुर के राजा तालाब हमर अस्पताल से वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस मौके पर श्री सिंहदेव ने कहा कि राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन से प्रदेश में सिकल सेल की जांच और इससे बचाव की गतिविधियों में तेजी आएगी। राज्य सरकार पहले से ही इसके उन्मूलन के लिए गंभीरता से काम कर रही है। हाल ही में रायपुर में सिकल सेल संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला भी रखी गई है। श्री सिंहदेव ने कहा कि विवाह के पूर्व और बच्चे के जन्म के पहले सिकल सेल की जांच अवश्य करानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में हर 10 में से एक व्यक्ति सिकल सेल वाहक है। सभी लोगों को इसकी जांच करानी चाहिए। सिकल सेल की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा POC किट भी खरीदी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम में 30 सिकल सेल रोगियों को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड वितरित किया। गौरतलब कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल को खत्म करने के लिए देश के 17 राज्यों के 278 जिलों में यह मिशन संचालित किया जाएगा। इनमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिले शामिल हैं। नारायणपुर जिले में ओरछा थाना क्षेत्र के भटबेड़ा के जंगल में सर्चिंग के दौरान DRG और ITBP की संयुक्त टीम ने माओवादी कैंप को ध्वस्त कर दिया है। सुरक्षा बलों के पहुंचने की सूचना मिलने पर माओवादी जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। जवानों ने मौके से माओवादियों के दैनिक उपयोग के सामान और IED में उपयोग होने वाले लोहे के स्प्लिंटर बरामद किए हैं। वहीं DRG और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम ने सर्चिंग के दौरान ग्राम आसनार क्षेत्र से 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन पर विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। कोरबा जिले में बीती रात ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर में कार सवार 3 युवकों की मृत्यु हो गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नवनिर्मित पुल पर कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। इस घटना में कार में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोतीपुर चौक के पास 4-पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल
हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। वहीं जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा थाना क्षेत्र के अमरताल गांव के पास कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। बाद में प्रशासन द्वारा मृतक के परिवार को मुआवजा दिए जाने का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण शांत हुए। वहीं इसी जिले के डबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बासीन गांव में मोटरसाइकिल सवार तीन युवक कुएं में गिर गए। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक घायल हो गए। उधर रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र में भी ग्राम सेंद्रीपाल के पास टैंकर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात की पुलिस टीम इन दिनों जांजगीर चांपा जिले के भ्रमण पर आई हुई है। इस दौरान टीम के सदस्यों ने बहेराडीह स्थित देश के पहले किसान स्कूल, धार्मिक नगरी खरौद और शिवरी नारायण के साथ ही क्रोकोडाइल पार्क का भ्रमण किया। इसके अलावा गुजरात की पुलिस टीम ने छत्तीसगढ़ पुलिस के कामकाज को जानने चांपा थाना और परामर्श केंद्र जांजगीर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने दोनों राज्यों के पुलिसिंग सिस्टम और कार्यों को समझने की कोशिश की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा 1 से 15 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कल रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ के सुब्रमण्यम और उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने किया। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण विषय पर स्वागत गान और समूह नृत्य प्रस्तुत किया गया। साथ ही केंद्रीय विद्यालय परिसर में पौधों का रोपण किया गया और सफाई भी की गई। गौरतलब है कि अभियान के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा देशभर के सभी कार्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जायेगा। प्रदेश में पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम के तहत निःशुल्क पौधा वितरण की शुरुआत हो गई है। इसके तहत रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में 31 जुलाई तक पौधों का वितरण किया जाएगा। रायगढ़ वन मंडलाधिकारी स्टाइलो मंडावी ने बताया कि इच्छुक हितग्राही सुबह 10 से शाम 6 बजे तक टोल फ्री नंबर में कॉल करके इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले में भी पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके तहत मोबाइल फोन पर कॉल करने पर नागरिकों को निःशुल्क घर पहुंच सेवा के साथ पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही वन विभाग द्वारा हाट बाजारों में भी नागरिकों को निःशुल्क पौधा वितरित किया जाएगा। भिलाई की आकांक्षा बनाफर को वरिष्ठ भारतीय महिला वॉलीबॉल कोचिंग शिविर में भाग लेने के लिए चुना गया है। चयनित टीम 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझू में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों में भाग लेंगी। कोच विनोद नायर ने बताया कि भिलाई की आकांक्षा ने बीते 29 जून से 1 जुलाई तक बंगलुरू में आयोजित चयन ट्रायल में भाग लिया था। मौसम का हाल। प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कल से एक बार फिर तेज होने की संभावना है। विशेष रूप से सरगुजा और बस्तर संभाग तथा आसपास के जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून द्रोणिका बीकानेर से बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। साथ ही एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कल गुरु पूर्णिमा है। इस दिन गुरुओं के अमूल्य ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रति सम्मान और आभार प्रकट किया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। रायपुर स्थित जिला रोजगार कार्यालय में कल 3 जुलाई को शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर 400 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायगढ़ में कल 3 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। कवर्धा बस स्टैंड में कल 3 जुलाई को परिवहन विभाग द्वारा लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए प्राचयन
परीक्षा 16 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 6 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं। और जांजगीर चांपा जिले में रेलवे ब्रिज के ऊपर ट्रेन की टक्कर के बाद हसदेव नदी में गिरे एक लापता व्यक्ति का शव SDRF की टीम द्वारा बरामद कर लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम आदमी पार्टी द्वारा आज बिलासपुर में महारैली का आयोजन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर लगाए कई आरोप। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हरेली त्योहार पर 17 जुलाई से होगी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ले सकेंगे हिस्सा। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादी कैंप को किया ध्वस्त, 2 माओवादी गिरफ्तार। और प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कल से एक बार फिर तेज होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।